बाबा मुरली में आता है अलग तो मिला अल्लाह ने बादशाह भागीदार को दे दी, तो इसमें दो व्यक्ति मत तो साबित हो जाते हैं अलग और नहीं टेम्पर फिर मुरली में भी आता है कोई अलग और बे कोई आता है देखिए अलग और बेको जाता है। अलफ आते हैं, अलफ की बात बुद्धि में आई और स्वर्ग की बात सही बुद्धि में आ जाती है। अलफ आते ही किस लिए हैं? अलफ कहाँ से आते हैं? अलफ परमधाम से आते हैं या हमारी बुद्धि में आते हैं? उनकी पहचान हमारी बुद्धि में आती है। जब पहचान बुद्धि में आती है तो मनुष्यों का बाप सिद्ध हो जाता है। बाप से वर्षा मिलता है। साधारण बाप नहीं, हद का बाप नहीं। कौन सा बाप? बेहद का बाप साबित हो जाता है। जो बेहद की आत्माएं हैं, आत्म की स्थिति में टिकने वाली है, उनको पक्का बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है कि हम बाप का वर्षा पाने वाले हैं। वो बेहद का बाप एक ही है, साकार भी एक ही है और उस साकार में निराकार भी एक ही है बेहद का, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। और बेहद का साकार रूप है ब्रह्मा, कृष्ण की आत्मा, पहली रचना, पहला पत्ता, जिसके लिए सारी पढ़ाई हो रही है। तो बाप को भी याद करना है और बाप की रचना भी बुद्धि में आनी चाहिए। ये रचयिता और रचना का ज्ञान है। बाप को क्यों याद करते हैं? उनसे क्या मिलता है? तो वर्षा है हमारा टारगेट। वो भी याद आता है। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। जैसे कि बाप में ही वो वर्षा समाया हुआ है, वो पहला पत्ता किसमें समाया हुआ है? बाप में ही समाया हुआ है। तो बाप को भी याद करो और स्वर्ग की बादशाही को भी याद करो और साथ साथ घर को भी याद करो। वो बाप भी है, उसमें हमारा वर्षा भी है। और बाप को याद करते करते बहुतों की ऐसी स्टेज बन जाती है
कि जब बाप के सामने जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, कोई संकल्प नहीं आता, माने कहां के वासी बन जाते हैं, परम धाम के वासी बन जाते हैं। बाप निराकारी तो जो बाप के बच्चे हैं वो भी निराकारी स्टेज में अपने को अनुभव करते हैं। इसलिए कहा बाप को याद करो, घर को याद करो, अपने वर्षे को याद करो, तीनों ही एक में समाये हुए हैं। और एक में ही अनुभव कर सकते हैं, ये अनुभव संगम युग में हो सकता है, सतयुग में नहीं होगा। भक्ति मार्ग के 2500 वर्षों में भी नहीं होता है, ये 3 in 1 है। और हाँ जी बोला है कि अच्छी द्वारा में इनको पढ़ाने वाला टीचर कौन है, अथॉरिटी वाले बच्चे, और इनको पढ़ाने वाला कौन है? अथॉरिटी वाले बच्चे हाँ, ब्रह्मा कुमारी के लिए स्पेशली बोला है, शांति के लिए एक ठीक है, आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन अथॉरिटी वाले बच्चे जो है वो कृष्ण गीता का भगवान है या नहीं, वो चीज क्या पूछा है इन्होंने? अरे क्या पूछना चाहते हैं, किसी को समझ में आया है? गीता का भगवान हाँ कृष्ण है या नहीं, वो अथॉरिटी वाले बच्चे जो अथॉरिटी वाले बच्चे जो है हाँ बोला है, क्या बोला है अथॉरिटी वाले बच्चों को? वो सिद्ध करेंगे कि गीता का भगवान कौन है, वो सिद्ध करेंगे कि गीता का भगवान कौन है, कि गीता का भगवान कौन है। तो वो मेरे ज्यूरिस्ट बच्चे हैं या दुनियावी ज्यूरिस्ट हैं, कौन सिद्ध करेंगे? ज्यूरिस्ट बच्चे हैं, ज्यूरिस्ट बच्चे बेहद के हैं ज्यूरिस्ट या हद के हैं? बेहद के जजमेंट करने वाले बच्चे हैं, जरूर उनकी बुद्धि विशाल होनी चाहिए, जो एक एक बात की खाल में पहुंच सके। मोर को पवित्र पान छिटाते हैं तो जिंदे ही सांप को निकल जाता है तो मांसाहारी हुआ ना, जिंदे ही सर्प को निकलता है तो मांसाहारी हुआ ना। सूर्य मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में देवताओं को गंदे चित्रों के रूप में दिखाया गया है, तो देवताएं गंदे है ना, हैं? हैं गंदे? ये क्या बात हुई? माने वो गरुड़ पक्षी का हो, मोर पक्षी कहो, वो सांप को खा जाता है, जैसे कि शिव शंकर भोलेनाथ सागर में समाये हुए सारे विष को हप कर जाते हैं, तो उनमें अमृत भरा हुआ है या विष भरा हुआ है? चंदन का पेड़, चंदन के वृक्ष में चारों टहनियों में वृक्ष में
सर्प लिपटे रहते हैं। तो उसमें विष व्याप्त होता है क्या? है नहीं होता है, ये स्थिति की बात है। जैसे कि गीता में बोला है कि आत्मनिष्ठ स्थिति में जो स्थित होता है 100%, वो सारे संसार की हत्या करने के बाद भी हत्यारा नहीं होता है। ऐसे ही ये मयूर की बात है। ये एक मिसाल है ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया के लिए। जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को आज भी मोर की पूंछ दिखाई जाती है, पूंछ देह अभिमानी की निशानी है। देह अभिमान अच्छी चीज है या बुरी चीज है? फिर भी मोर की पूंछ किसी को प्यारी लगती है या कोई ऐसा भी है जिसको प्यारी नहीं लगती है? है, सबको प्यारी लगती है। और एक आदमी बोलो गिलहरी झूठा खिलाती है, क्या बात है? राम को गिलहरी झूठा बेर खिलाती, झूठे बेर तो खिलाती है, लेकिन जो झूठापन है उस झूठे करने के पीछे भाव क्या छिपा हुआ है? झूठा करने का भाव छुपा हुआ है या मिठास भरने का भाव छुपा हुआ है? इसलिए भाव प्रधान विश्व रचिरा का, भावना के आधार पर कर्मों का पाप कर्म और पुण्य कर्म बनता है। वही कर्म एक व्यक्ति करता है, वही कर्म दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन भावना अलग अलग है, तो अलग अलग पाप और पुण्य का हिसाब बन जाता है। और बाबा पुरानी दुनिया पुराने संसार पुराने स्वभाव और पुराने संबंध मतलब क्या है? वही है 63 जन्मों के जो विकारी स्वभाव संस्कार धारण किए हैं वो ही पुराने हैं, 2500 वर्ष पुराने हैं। अभी बाप सतयुग के नए संस्कार स्थापन कर रहे हैं, वो नए हैं। जो निर्विकारी स्वभाव संस्कार हैं जिनमें नयापन है, सतो प्रधानता है, जो सुखदाई है दुखदाई नहीं है, वो ही नए हैं। जो दुखदाई स्वभाव संस्कार हैं वो ही पुराने हैं। और ये संघ का रंग का प्रभाव दिखाया है, उनके हाथ में वो भूत प्रेत लीला वाली मोर पंछ होती है, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं और जानवर या पक्षी की पूंछ दिखाते हैं।
वो पक्षी की पूंछ की बात नहीं है, ये ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की बात है जो वो यादगार के रूप में दिखा रहे हैं। वो कृष्ण सूक्ष्म शरीर धारण करने वाला भूत प्रेत है या नहीं है? है, वो भी है, लेकिन सात्विक स्टेज वाला है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी मोर पिच्छ से झाड़ा लगाते हैं। कि तामसी वृत्ति उतर जाए, इनके आसपास जो तामसी वायुमंडल विचरण कर रहा है उसका प्रभाव खत्म हो जाए। वैसे भी किसी घर में कमरे कमरे में मोर की पूंछ का झाड़ू बना बना के लटका दो तो जो विषैले जानवर हैं छिपकली आदि वो देखते ही भाग जाएंगे। और बारह ज्योतिर्लिंगम का महत्व इसलिए ज्यादा है कि बारह में से एक है मुखिया। नंबर वार हैं कि एक जैसे हैं? नंबर वार हैं। उनमें एक जो मुखिया है जिसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है वो शिव सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में। वो एक मुखिया शिवलिंग का रूप जो है चैतन्य वो ग्यारह रुद्रगणों में प्रवेश करता है स्पेशली। इसलिए बारह ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। वो सभी सूर्यवंशी हैं। ज्ञान सूर्य के मुआफिक उनमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है जो सारे संसार को प्रकाश देने वाली है। पार्शियलिटी वाली नहीं है। और जो बारह बारह के ग्रुप हैं माला में वो सब नंबर वार पार्शियल हैं, पक्षपात करने वाले हैं। वो विश्व पिता के बच्चे हैं, सारे विश्व का कल्याण करने की भावना है। और अमरनाथ उधर उधर बाद में अमरनाथ हाँ पहाड़ का मतलब है ऊंची स्टेज। जैसे कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती को दिखाते हैं, वो शंकर पार्वती संगम युग में कैलाश पर्वत पर हिमालय पहाड़ पर जाकर नहीं बैठते हैं, रहते तो इसी दुनिया में है नीचे, लेकिन उनकी स्टेज ऊंची दिखाई गई है। इसी तरह से जो बारह शिवलिंग हैं उन बारह शिवलिंगों में एक स्टेज इतनी ऊंची है कि जहां चढ़ाई चढ़ करके जाना पड़ता है और आत्माओं को तकलीफ महसूस होती है और उनको सदाकाल वहां रहने में आराम महसूस होता है।
जैसे बाबा ने बताया है कि आगे चल के जब तुम बच्चे संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे तो निराकारी स्टेज अव्यक्त स्टेज ऐसी हो जाएगी जैसे अभी घड़ी घड़ी साकारी स्टेज में उतर आते हो, देवान में उतर आते हो। उस समय तुम्हें ऐसा भासेगा कि हम सदैव निराकारी स्टेज में बने रहे। उस स्टेज से नीचे उतरते ही तलखीलापन महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बार बार उसी स्टेज में जाने की इच्छा होगी। और हाँ जी ज्योतिर्लिंग ज्यादा है ना महाराष्ट्र में। हाँ महादास फालतू का है। हाँ क्या कारण है? कारण क्या है? कारण बता तो दिया, महान रास्ते। हाँ भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जो बड़े बड़े भूत प्रेत होते हैं वो आग से डरते हैं। हाँ तो इसका क्या मतलब? ये योग अग्नि है, जो भूत प्रेत आत्माएं हैं किसी में भूत प्रवेश करे और बाबा की याद में रहकर उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो थोड़ी देर, और नीचे आंख कर लेगा, देखेगा ही नहीं, या तो भाग जाएगा। तो ये योगाग्नि का प्रभाव है। भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें पकड़ लेते हैं, जानवर भी आग को देख के भागते हैं या ठहरते हैं, भाग जाते हैं। वो तो मनुष्यों की आत्माएं हैं, तामसी आत्माएं, जानवर बुद्धि हैं, बहुत पाप करने वाली हैं। जैसे जानवर पाप पुण्य को नहीं जानता, ऐसे वो आत्माएं भी जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए वो अग्नि को देख करके डर जाते हैं। और बाबा इसके वाला ब्रह्मा बाबा ना फोटा लगा रहे तो यानी पत्नी तो क्या याद डर जाए नहीं तो इसके वाले ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा दे तो उनकी पत्नी की क्यों याद जाने। हाँ पत्नी ने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, इसलिए पुरुषार्थ की सारी महिमा है। पुरुषार्थ अगर साधारण किया है तो उनको स्मरण कौन करेगा, दर्शन कौन करेगा? फोटो लगाया ही जाता है किस लिए? दर्शनार्थ, स्मरणार्थ, महिमार्थ। महिमा हो, दर्शन हो, याद हो, किसकी करेंगे? अच्छा काम करने वालों की करेंगे या बुरा काम करने वालों की करेंगे? तो अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया है, साधारण पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनकी महिमा नहीं है, उनके फोटो नहीं है। मम्मा के फोटो हैं। और बाबा ये बना बनाया ड्रामा है, तो कुछ ड्रामा पहले बना और फिर बनाया गया। अरे ये बनाया नहीं जाता, ये तो अनादिकाल से बना बनाया है। जैसे आत्मा बनाई नहीं जाती, आप कहें जब आत्मा बनी, जब आत्मा बनाई गई, ये तो रंग बात हो जाती है। ये समय चक्र ऐसे ही घूमता रहता है, इस समय चक्र का नाम ही ड्रामा है। समय चक्र का प्रैक्टिकल रूप क्या है?
जो सदैव है ही है, कोई भी एक सेकंड ऐसा नहीं है जहां वो न हो। जैसे मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल रूप है, जो साकार रूप है, वो ही समय चक्र है, वो ही महाकाल है। वो महाकाल कोई कहे कब बना, तो फिर प्रश्न पैदा होगा किसने बनाया। ऐसे ही आत्माएं भी कभी बनती नहीं है, बनाई नहीं जाती, और पांच तत्व भी कभी बनते नहीं है, बनाए नहीं जाते, ये सदाकाल हैं ही हैं। वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं एलिमेंट का कभी नाश नहीं होता है। और सामने जरूरत रहती है। हाँ जी, तो बाबा दोपहर से साक्षात्कार कराने का काम करते हैं। दोपहर से साक्षात्कार कराते हैं ना? हाँ। परमधाम में रहकर ही करते हैं। वो बाबा होता है या बाप होता है? तो बाप करते हैं या बाबा करते हैं? बाप करते हैं। अभी तो तुमने बाबा का नाम लिया, घड़ी घड़ी बात पलट जाते हो। अरे मुरली में बाबा बोला या बाप बोला? हैं? बाप नहीं बोला साक्षात्कार कराने वाला, क्या बोला? बाबा बोला। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? शिव बाबा। वो हीरो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी में ही वो बाप आता है। तो उसकी प्रैक्टिकल एक्ट के द्वारा सबको साक्षात्कार नहीं होता है, जो विशेष आत्माएं हैं उनको साक्षात्कार होता है। और चाबी किसके पास है? शिव बाबा के पास, शिव बाप के पास बताई कभी? अरे मुरली में शिव बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है या बाप के पास है? शिव बाबा के पास है। और बाबा यहाँ यहाँ चलो। हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में किसी धर्म गुरु की प्रतिमा मूर्ति में दिखाई देती है? किसी धर्म गुरु की प्रतिमा मूर्ति में प्रत्यक्ष होती है? कोई मूर्ति में दिखाई देती है? जैसे क्राइस्ट का चित्र हो तो उसमें क्राइस्ट दिखाई देता है। हाँ, धर्म होता है। जैसे शिरडी वाले बाबा का चित्र है, स्वामी नारायण है, स्वामी नारायण का चित्र है, उसकी मूर्ति है, स्वामी नारायण की मूर्ति है, उसमें जो वर्तमान धर्म गुरु हैं वो दिखाई देते हैं। कोई को हनुमान में भगवान दिखाई देते हैं, तो अपनी भावना के आधार पर है। कोई को गणेश में भगवान दिखाई देते हैं, तो ये अपनी भावना की बात है। वो भावना का भाड़ा मिलता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और बाबा प्रयाग जी में जब सब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर रथ यात्रा दिखाई, दूसरी बाजू दो घंटी दिखाई है। श्रीनाथ जी में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ रथ यात्रा बताते हैं और दूसरी बाजू दो घंटी बताई है। एक तरफ रथ यात्रा दिखाते हैं, दूसरी बाजू दो घंटी रखी है, दूसरी बाजू दो घंटी रखी हुई है। घंटे का काम क्या होता है? घंटा क्या करता है?
किस बात के लिए आवाज करता है, है? जाग जाओ। तो ऐसे ही भगवान की जब रथ यात्रा निकलती है, यात्रा का भी संपूर्ण आहुति का कोई टाइम होता है या चलती ही रहती है 5000 साल, उसका भी टाइम होता है। जब संपूर्णता की जाती है तो घंटियां बजती हैं जो निमित्त हैं, कहती हैं अब जाग जाओ, प्रत्यक्षता होने वाली है, नहीं तो विनाश बरपा हो जाएगा तुम्हारे सर के ऊपर। अभी तो दूर दूर के विनाश के घंटे बजते हैं। और है तिरुपति में जाते हैं तो बाल को काटते हैं। हाँ, उसका नाम ही क्या है? हाँ, नाम तो बाला है, बालाजी तो कहते हैं, लेकिन असली नाम कहाँ का मंदिर? तिरुपति का मंदिर। मेरो पति नहीं, तेरो पति। तो जब तेरो पति हो गया तो हमारा तो माथा मुड़ गया ना। इसलिए जो भी जाते हैं उनका माथा मुड़ लिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं तेरुपति। और बाबा, पांच तत्वों में पृथ्वी जलवायु आकाश तो दूषित होती है, तेज तत्व दूषित नहीं होता है? तेज तत्व जल्दी दूषित नहीं होता है? जल्दी दूषित नहीं होता, देर में तो होता है। अरे देर में दूषित होता है कि नहीं? एटम बम फटते हैं, आग उगलती है तो दूषित होते हैं या नहीं होते हैं? है? होते हैं। दुनिया की हर चीज, कोई चीज ऐसी नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न होती हो। हाँ, ये जरूर है कि कोई कोई ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी आत्माएं भी हैं जो अंतिम जन्म में जाकर के तामसी रूप धारण करती है, और जन्म में वो आत्माएं सात्विक स्टेज में रहती हैं, क्योंकि संगम युग में रह करके जब से बाप आया या जब से बाप की पहचान हुई, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्टेज को धारण किया, इसलिए सात्विक स्टेज में रहते हैं। बाकी माया तो किसी को छोड़ती नहीं है, आखिर में तो सब धराशायी हो जाते हैं। और बाबा, ये आधा नारी स्वरूप का वो साक्षात किस है? आधा स्त्री आधा पुरुष का है ना? है, वो कौन कौन है उसमें? वो जो अर्धनारीश्वर है, वो अर्धनारीश्वर साकार है, चैतन्य है, निराकार है या जड़ है? क्या है? चैतन्य भी है और साकार भी है, स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक है या दो चार है? एक ही स्वभाव संस्कार वाला है, एक ही वाणी वाला है, दो दो बातें करने वाला नहीं है। शिव बाप आते हैं, जब आते हैं तो मुकर्रर रूप से किस में प्रवेश करते हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं वो उनके कार्य को पार लगाने वाला पार्वती है पहले नंबर की, या कोई दूसरा है? इसलिए शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ, कोई और का नाम नहीं जोड़ते। वो शिव शंकर के साथ मिलकर के प्रवृत्ति तैयार करते हैं।
जिसके साथ प्रवृत्ति बनाई जाती है वो स्त्री हो जाती है, और जो प्रवृत्ति बनाने वाला है वो क्या हो गया, वो पुरुष हो गया। इसलिए मुरली में भी बोला है शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे, शंकर पार्वती युगल हैं, या शिव के साथ शंकर की प्रवृत्ति है। किसके साथ प्रवृत्ति है? शिव के साथ शंकर की प्रवृत्ति है। भक्ति मार्ग में कह देते हैं शंकर पार्वती पर फिदा हुआ। वास्तव में अगर कोई और के ऊपर फिदा हो जाए तो उसे एक की अभिविचारी याद में रहने वाला लवलीन आत्मा कहेंगे है? नहीं कहेंगे। एकलव्य भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो दूसरे देहधारी को याद करने वाला हो गया। वो 100% शिव बाप समान स्टेज नहीं कही जाएगी। फिर नहीं कह सकते कि शिवा आता है आप समान बनाने के लिए। आप समान बनाता है तो कोई दूसरे को याद करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। और रुको रुको, वो पहले नंबर में चला गया। हाँ, विनाश होने के टाइम में ब्रह्मा बाबा क्यों रोते? विनाश होने के टाइम ब्रह्मा बाबा क्यों रोते? विनाश होने के टाइम पर नहीं रोते हैं, जब उनको विनाश का साक्षात्कार होता है। जब विनाश का टाइम आएगा तब तक तो वो आत्मा संपूर्ण हो जाएगी। संपन्न हो जाने के बाद वो रोने की स्टेज में होगी कि वाहवाही की स्टेज में होगी? हाँ, जब उनका अधूरी स्टेज है, बच्चापने की स्टेज है, बच्चा बुद्धि जैसे हैं, सालिम बुद्धि नहीं बने हैं, समझदार बुद्धि नहीं बनी है, सगीर बुद्धि नहीं बनी है, तब रोते हैं। क्योंकि वो रचना है, वो रचयिता रचयिता नहीं है। और ब्याज क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? और घर में पानी भर जाएंगे, घर में तो बल्ले ही बल्ला करना चाहिए। अरे, एक जन्म का घर है, शरीर का घर है या आत्मा का घर है? है? जिस घर में पानी भर गया वो एक जन्म का इस शरीर का घर है या आत्मा का जन्म जन्मांतर का घर है? है? तामसी जन्म का घर है, वो खलास हो जाएगा तो नए जन्म का घर मिलेगा। खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? है? खुश होना चाहिए। जिन्होंने तैरना सीखा होगा वो तो बड़े खुश होंगे, और जिन्होंने तैरना नहीं सीखा है वो बहुत दुखी हो जाएंगे।
अभी तारू बाप आया हुआ है, नैया मेरी पार लगाओ। तो जो नैया को पार लगाने वाला बाप आया हुआ है वो तैरना सिखाता है कि नहीं सिखाता है? सिखाता है। तो हम रोए कि और मजे कहे, अब हमारा हमारी बारी आई कमाल दिखाने की। हमारे पीछे जो बलवान है वो क्या करेगा? हमने किसी को तलवार मारी होगी तो हमारे लगाएगा, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे। परिवार, तलवार नहीं परिवार। ओ हमारे पीछे परिवार है तो क्या होगा? हाँ हाँ, तुम्हारी आत्मा के पीछे परिवार है वो भूल गया, अब देह के पीछे परिवार याद आ रहा है। अरे हमको बाबा ने आत्मा समझने के लिए बोला या देह समझने के लिए बोला? अब देह समझ रहे हैं तो पीछे परिवार देह का याद आता है, अगर आत्मा समझे तो माला याद आ जाएगी, आठ का परिवार याद आवेगा, 108 का याद आवेगा, 16108 का बड़ा परिवार याद आवेगा। वो हमारे पीछे आ जाए तो हम तो विश्व के बादशाह बन गए। और बाबा ये आज हिंदी में सुना था ना, तुम्हें माता पिता तुम्हें ये फाउंडेशन ब्रह्मा बाबा ने लगाया कि तब आदि में जब उनको साक्षात्कार हुआ ना है, तुम्हें वो माता तुम्हें वो पिता, ये फाउंडेशन मतलब ये इसका बीच ब्रह्मा बाबा ने लगाया। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। ये तुम शब्द जिससे बोला है वो निराकार है या साकार है या निराकार साकार का मेल है? निराकार साकार का मेल है, जिसके लिए कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसमें चलाने वाला कौन है? निराकार साकार के मेल में चलाने वाला कौन है, माँ है या बाप है? बाप है चलाने वाला, और चलने वाला कौन है? देह, देहधारी। अभी अभी क्लेरिफिकेशन दिया, अभी अभी भूल गए। और बाबा अभी संगम मतलब मीटिंग पर पुरुषोत्तम संगम, तो अभी हमने जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है इसके लिए तो टर्न करना चाहिए यार। क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है हमारे ऊपर, अन्याय हो रहा है, प्रतिकार करना चाहिए। हम आत्मा है कि देह है? आत्मा है। आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं या एक ही जन्म का हिसाब किताब है? तो जब आत्मा याद आता है तो आत्मा के साथ साथ पिछले अनेक जन्म भी पीछे पीछे लगे हुए वो भी याद आ जाते हैं। हमारे साथ कोई अन्याय कर सकता है? आत्मा के साथ कोई अन्याय कर सकता है? कर सकता है? कोई नहीं अन्याय कर सकता। हमने जो किया है उसी का प्रतिफल हमको मिलता है। हमारे साथ कोई अन्याय कर ही नहीं सकता।
क्योंकि हम आत्मा परमात्मा बाप के बच्चे हैं। जैसे इंडिया का सुप्रीम जज चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उसका बड़ा बच्चा है, तो फकुर में रहेगा हमारे साथ कोई अन्याय करे, कर पाएगा? कोई साहस करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमको भी इस फकुर में रहना है। हम किसके बच्चे हैं? हम ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? अरे जो हमसे टकराएगा फौरन मारा जाएगा। एक नारायण ही है संसार में जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, उसकी कभी हार नहीं होती, हर केस में उसकी जीत ही जीत निधि हुई है। तो क्या स्टेज होती होगी उसकी पुरुषार्थी जीवन में? क्या स्टेज रही होगी? अरे अभी तो बोल दिया, जो हमसे टकराएगा मारा जाएगा। और बाबा वो नजर ना लगे क्या? नजर ना लगे। हाँ ये दरवाजे पे क्यों टांगे? हाँ सुनो दरवाजे पर नींबू मिर्ची लगाते हैं, नीचे काला कोयला भी होता है। हाँ काला कोयला लगाते हैं, और ट्रक के पीछे मोस्टली देखा होगा राक्षस का चेहरा लगाई देते हैं और जूता लटकाए देते हैं। लिखा होता है बुरी नजर वाले। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऊपर बुरी नजर रखेगा तो उसको रिजल्ट में क्या मिलेगा? है? उसको महाकाल खाएगा। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा। और ज्यादा खट्टा किसी को अच्छा लगता है क्या? अति का तीखा खट्टा किसी को अच्छा नहीं लगता। मिर्च बहुत तीखी हो तो कोई कोई अच्छी लगेगी? है? दो चार मुट्ठ खा जाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो ये स्वभाव संस्कार की बात बताई। ऐसे स्वभाव संस्कार उनको साक्षात्कार करा दो कि ऐसा भी स्वभाव संस्कार बन सकता है जिसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बाबा ने बोला जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज होगी तो कोई तुमको लापड़ नहीं मार सकेगा। मारेगा? है? है? नहीं मार सकेगा। वो भी नहीं लुढ़का। ये 2034 में हाँ के भारत में पचास वर्ष माइनस करेंगे। 2036 में हाँ कलयुग के जो 1250 वर्ष माइनस करेंगे तो 786 आता है, 786 आता है। काय में से माइनस करेंगे 2036 में
1250 वर्ष अगर माइनस करेंगे हाँ तो ये 786 आता है, 786 आता है हाँ। ये कलयुग की शुरुआत कहे इसको? अरे मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुसलमानी आक्रमण कब हुआ? जब मुसलमानों का आक्रमण भारत पर होता है तब ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है। ये मुसलमान हमारे पुराने दुश्मन हैं। ये अंदर घुसे हुए हैं। अंदर का दुश्मन बस भयंकर होता है या बाहर का दुश्मन भयंकर होता है? जहां जहां हिंदू घुसे हुए हैं वहां वहां मुसलमान भी घुसे हुए हैं। जहां जहां मंदिर बना हुआ है वहां वहां मस्जिद भी बनाई हुई है। और नीचे वालों को सुनाई नहीं पड़ा? क्या निकला? विष निकला। हाँ निकला तो शंकर ने पिया। हाँ तो वह बता रहे कि सागर कौन और विष पीने वाला कौन? सागर तो बाप ही है और विष पीने वाला वो बेहद का बाप है जो आत्माओं का बाप है। उसको विष असर करेगा है? अगर उस सागर में जो ज्ञान सागर कहा जाता है जिसमें से नदियां निकलती हैं उसमें अगर निराकारी ज्योति बिंदु बाप न प्रवेश करे तो उसकी कमियों को दूर करने वाला दुनिया में कोई है? नहीं है। जैसे सूर्य है, जैसे अग्नि है, कितना भी कचड़े का बड़ा ढेर क्यों न हो, बदबू का ढेर क्यों न हो, उसको भी सोख जाते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य है, वो एवर प्योर है। एवर प्योर का मतलब क्या है? जो 2500 वर्ष में बड़े बड़े गुरु सन्यासी हुए वो घर बार को छोड़ के भागते रहे, क्यों भागते रहे? कुछ डर लगता था क्या? अरे डरते थे क्या? हैं? डरते थे कि ये विष हमको ही भस्म कर देगा। और वो बाप आता है तो बेहद की गृहस्थी में रहता है, डरता है क्या? हैं? छोड़ के भागता है क्या? नहीं भागता। तो विष पीते हुए जो दिखाया गया है ये कोई स्थूल विष की बात नहीं है,
ये बेहद का विषैलापन है जो 2500 साल में आत्माओं में संग के रंग से समाय गया है। उस विषैलेपन को सोख जाता है, नीचे वाला सोखता है या ऊपर वाला सोखता है? नीचे वाला एवर प्योर है या ऊपर वाला एवर प्योर है? ऊपर वाला एवर प्योर है। और बाबा नीचे वाले को भी इम्प्योर तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज की वाणी में पहली बार पॉइंट आई है कि प्रजापिता हो चाहे ब्रह्मा हो, बल पुरुष तन है, लेकिन उनको दुर्योधन दुशासन के लिस्ट से निकाल दिया बाबा ने। दुर्योधन दुशासन में ही शिव बाप आते हैं। बाबा ने आज की वाणी में बोला कि इनको भी पतित नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इनमें प्रवेश हूँ। प्रवेश होने के आधार पर पावन बनते हैं कि याद के आधार पर पावन बनते हैं? तो क्या कहेंगे, पतित हैं या पावन हैं? पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। हाँ, ये बोला है कि सबसे अच्छी पुरुषार्थ की स्टेज वो है जिसमें नारायण को याद करें, परंतु क्या नारायण बना है? अभी प्रैक्टिकल में नारायण का स्वभाव संस्कार है? नहीं है। नारायण उसमें तो शिव बाप आएगा ही नहीं। क्या आएगा? नहीं आएगा। शिव बाप का विरुद्ध है, मैं पतित से पतित कामी कांटे में ही प्रवेश करता हूं। चाहे आदि हो चाहे मध्य हो, काम ही कांटा ही चाहिए। तो पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? है वैसे भी बोला हुआ है कि न राम सीता को खादी के राजा रानी कहेंगे, खादी का कपड़ा सतयुगो त्रेता रूपी ठंडी के दिनों में गर्मी देती है और द्वापर कलयुग में ठंडा दिमाग करती है, ठंडा शरीर बनाती है। संगम युग में भारी पड़ जाती है। तो अभी संगम युग चल रहा है या सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग है? संगम है। संगम में ये राम सीता वाली आत्माएं सबको भारी पड़ जाती हैं। अगर भारी न पड़े, हल्की फुल्की महसूस हो, तो छोड़ के भागने या निश्चय बुद्धि होने का सवाल पैदा होगा या निश्चय बुद्धि होने का सवाल पैदा होगा? है फिर तो हमेशा निश्चय बुद्धि बने रहे, लेकिन होता क्या है, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, क्योंकि खादी के राजा रानी हैं, सबको भारी पड़ जाते हैं। और ओम शांति।